नमस्कार दोस्तों, चैनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आपका चहेता गेम शो ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति का 30 सितंबर 2022 का एपिसोड में पूछे गए सवालों पर, और उन सभी सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। 30 सितंबर 2022 शुक्रवार है, जिसमें कंटेस्टेंट्स मोबाइल पे प्ले अलोंग खेलने वालों से चुने गए हैं। आप भी अपने मोबाइल में प्ले अलोंग खेल के घर बैठे ढेर सारे इनाम जीत सकते हैं और हॉट सीट तक भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ट्रिपल टेस्ट में आज का पहला फास्टेस्ट फास्ट फिंगर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ वायर इंसर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रन अप्लायंसेस। इनमें से कौन एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा होता है जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। इसका आंसर है प्लग। नाउ द सेकेंड फास्टेस्ट फिंगर फास्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ दीज इज एन एंशिएंट व्हीकल ऑफ वार ऑफन पुल्ड बाय हॉर्सेस। पुराने काल में इनमें से कौन युद्धयान होता था जिसको घोड़े खींचते थे। इसका आंसर है रथ। प्राचीन काल में घोड़े रथ को खींचते थे। एंड नाउ इज द थर्ड फास्टेस्ट फास्ट फिंगर क्वेश्चन, व्हाट आर कोल्ड ड्रिंक्स ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द गैस इन्वॉल्व्ड। कोल्ड ड्रिंक्स को हम और क्या बोलते हैं, कारण उनके अंदर जो गैस है। इसका आंसर है कार्बोनेटेड। कोल्ड ड्रिंक्स में होने वाले गैस की वजह से हम इसे कार्बोनेटेड बोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्रिपल टेस्ट का तीन क्वेश्चन का सही जवाब देकर कृष्णा सत्यप्रकाश शर्मा हॉट सीट पर आ गए और उन्हें पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली नॉट स्प्रे प्राइमरीली टू स्प्रेड फ्रैग्रेंस। इनमें से किसको आप स्प्रे नहीं करते सुगंध पाने के लिए। इसका आंसर है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए, और बाकी सभी डिओड्रेंट परफ्यूम रूम फ्रेशनर ये सभी सुगंध को बितरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली फाइंड क्लासेज सच एज इकोनॉमी बिजनेस एंड फाइनल। इकोनॉमी बिजनेस और फास्ट क्लास किसमें इस्तेमाल होते हैं। इसका आंसर है एयरप्लेन्स। इकोनॉमी बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयरप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं। ये सभी टिकट के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग 4/2 इज द सेम एज व्हिच ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ 4। 4 को 2 में डिवाइड करने में
फोर को टू से डिवाइड करने से जो नंबर आता है वो फोर का क्या होता है? इसका आंसर है स्क्वायर रूट। फोर को टू से डिवाइड करने से टू मिलता है जो कि फोर का स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबियाटा एंड अल्फ्रेडो आर सक्सेस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच फूड आइटम। अरबियाटा और अल्फ्रेडो ये सभी सॉस होते हैं जो कि कौन से खाद्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका आंसर है बर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवशाही, शिपनेरी एंड यशवंती आर नेम्स ऑफ व्हिच ऑफ दिस। ये सभी क्या होते हैं? शिवशाही, शिपनेरी और यशवंती ये सभी MSRTC बसेस हैं। तो आंसर है MSRTC बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अवार्डेड ऑथर्स विथ द बंकिम पुरस्कार फॉर लिटरेरी एक्सलेंस। कौन सी राज्य सरकार भाषा में प्रवीणता के लिए बंकिम पुरस्कार प्रदान करता है? बंकिम पुरस्कार बंकिम चटर्जी के नाम पर है जिन्होंने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम रचना किया था। और इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लैंग्वेज वाज छेलोसो इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2023 ऑस्कर्स शॉट। 2023 का ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाला फिल्म छेलोसो कौन सी भाषा में शॉट किया गया? कौन सी भाषा में छेलोसो फिल्म शूटिंग हुआ था? इसका आंसर है गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द नेम ऑफ व्हिच ऑफ दिस इन इंडिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इनमें से क्या है? इसका आंसर है नेशनल हाईवे नेटवर्क। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदू माइथोलॉजी हु अमंग दीज वाज द हस्बैंड ऑफ सची। हिंदू पुराण के अनुसार इनमें से कौन सची का पति है? इसका आंसर है लॉर्ड इंद्र। इंद्र भगवान सची के स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेंट इज ए बेंचमार्क इंडेक्स यूज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ व्हिच ऑफ दीज। ब्रेंट इनमें से किसकी व्यापार में इस्तेमाल होने वाले बेंचमार्क इंडेक्स है? इसका आंसर है क्रूड ऑयल। ब्रेंट इज ए मिक्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम 15 डिफरेंट ऑयल फील्ड्स इन नॉर्थ सी। दिस इज ए बेंचमार्क यूज्ड इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ व्हाट डिजीज डॉज सर्वभाग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर दैट डिजीज हेल्प प्रिवेंट। भारत का
पहली स्वदेशी निर्मित वैक्सीन सर्वमैक, इनमें से कौन सी बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 degree चैनल इज द हिस्टोरिकल नेम फॉर द वाटर बॉडी दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? 8 degree चैनल भारत को कौन सी देश से अलग करता है? इसका आंसर है मालदीव्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए बोनस क्वेश्चन, RTGS स्टैंड्स फॉर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दिस इज ऑल्सो ए बोनस क्वेश्चन, द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स टूक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पहला शीतकालीन ओलंपिक्स कौन सी देश में खेला गया था? इसका आंसर है फ्रांस। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वॉज प्लेड एट चार्मोनिक्स इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंडफादर ऑफ व्हिच ऑफ दीज राइटर्स वेंट टू द वेस्ट इंडीज फ्रॉम इंडिया एज एन एंडेंजर्ड लेबरर इन द 19th सेंचुरी? इनमें से किसके ग्रैंडफादर, कौन सी लेखक के ग्रैंडफादर भारत से वेस्ट इंडीज इंडेंचर्ड लेबर के हिसाब से 19th century में गए थे? इसका आंसर है बी एस नायपुल इज द राइटर हु वॉज फेमस फॉर हिज नोवेल हाफ ए लाइफ, फॉर विच ही गॉट द बुकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज पर्सनैलिटीज हैज बीन अवॉर्डेड ए कीर्ति चक्र फॉर देयर वर्क इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म? इनमें से कौन आतंकवाद का मुकाबला के लिए कीर्ति चक्र से नवाजे गए थे? इसका आंसर है अजीत धोबल। आतंकवाद का मुकाबला के लिए उन्हें कीर्ति चक्र सम्मान से भूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फास्टेस्ट फिंगर क्वेश्चन ऑफ ट्रिपल टेस्ट, व्हिच ऑफ दीज हिंदी फ्रेजेस मीन्स टू स्लीप? इनमें से कौन सी हिंदी वाक्यांश का अर्थ है सोना? इसका आंसर है आंख लगना। एंड द सेकेंड फास्ट फिंगर क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ दीज क्रिएचर्स इज द लॉन्गेस्ट? इनमें से कौन सी प्राणी सबसे लंबा है? इसका आंसर है ब्लू व्हेल। एंड दिस इज द थर्ड फास्टेस्ट फिंगर फास्ट क्वेश्चन, इफ ए हेप्टागन हैज 7 angles हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? अगर एक हेप्टागन का 7 angles होते हैं तो इसका कितने साइड्स होते हैं? इसका आंसर है 7। हेप्टागन हैज 7 sides। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड चंपी इज कॉमनली यूज्ड इन हिंदी टू सिग्निफाइज व्हिच ऑफ दीज एक्टिविटीज? चंपी जो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी को दर्शाता है? इसका आंसर है मसाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द लाइट एमिटेड बाय ए कैमरा फोन बिफोर फोटोग्राफ इज क्लिक्ड। कैमरे में फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले कैमरे से जो लाइट निकलता है इसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर है फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टैंडर्ड डेस्क ऑफ प्लेइंग कार्ड्स व्हिच ऑफ दीज इंग्लिश लेटर्स डज नॉट रिप्रेजेंट ए फेस कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स में इनमें से क्या एक फेस कार्ड नहीं है? इसका आंसर है ए, बाकी सभी फेस कार्ड हैं। के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, जे फॉर जोकर, ये सभी ताश के पत्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज नेम्स ऑल्सो रिफर्स टू द फीचर ऑफ एन एसी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन व्हिच एयर विल फ्लो। इनमें से कौन सी विशेषता एसी यानी एयर कंडीशनर का होता है जो हवा का दिग को दर्शाता है, कौन सी डायरेक्शन में हवा को फ्लो करना है वो बताता है? इसका आंसर है स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट अपीयर्स इन द नेम ऑफ द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम। ये जो गाना सुनाया गया इस गाने में कौन सी भारतीय राज्य का नाम लिया गया? गाना का मुखड़ा था एक कुड़ी जिद्दा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। तो इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज फॉट एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इनमें से कौन पानीपत का पहले युद्ध में लड़े थे? इसका आंसर है बाबर। बाबर फॉट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन दिस बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ हाउस गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट वॉज द स्टाइल अडॉप्टेड बाय यूरोपियन सेटलर्स फॉर देयर हाउसेस इन ईस्टर्न इंडिया। इनमें से कौन सा ईस्टर्न इंडिया में घर को बोलते हैं जिसका नाम यूरोपियो उपनिवेश वासियों से लिया गया? इसका आंसर है बंगलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस विथ रेस्पेक्ट टू 100 मीटर रेस एट द ओलंपिक्स। पिक्चर में दिखाया गया 2008, 2012, 2016 ये सब ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस में कौन जीते हैं? पिक्चर में उसेन बोल्ट का फोटो दिखाया गया जिन्होंने 2008 और 12 में जीता, और 2016 में कौन 100 मीटर रेस में ओलंपिक्स जीता है? तो इसका आंसर होगा उसेन बोल्ट। इन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई स्टेट गॉट ओनली इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन इन सुखुबी इन 2022 आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन ए सेंचुरी। इनमें से कौन से राज्य में सुखुबी में 2022 में 100 साल के बाद सेकेंड रेलवे स्टेशन उद्घाटित हुआ है? इसका आंसर है नागालैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, व्हिच टीम ओन द 2022 एशिया कप मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट? 2022 में पुरुषों का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सी टीम जीता? इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वार हु अमंग दीज किल्ड शकुनी? कुरुक्षेत्र का युद्ध में किसने शकुनी को मारा था? इसका आंसर है सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम फॉर द यूएसए एंड इंडिपेंडेंस अवार्ड फॉर बांग्लादेश, व्हाट इज इट फॉर इंडिया? अगर ये यूएसए के लिए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है और बांग्लादेश के लिए इंडिपेंडेंस अवार्ड है, तो ये भारत के लिए क्या है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस अवार्ड, ये सभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कौन सा है? इसका आंसर है भारत रत्न। इसका आंसर है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पर्सन हु हैज कोस्ट द इंडियाज मेन्स क्रिकेट टीम वाज शेन वॉर्न्स फर्स्ट विकेट इन टेस्ट? इनमें से कौन सी व्यक्ति भारत का पुरुष क्रिकेट टीम का कोच थे जिनको शेन वॉर्न ने हराया था? शेन वॉर्न ने उनका विकेट ले गए थे। तो ये कौन है? ये है रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज हैज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी नॉट एट विजिटेड आफ्टर कमिंग टू पावर इन 2014? के बाद श्री नरेंद्र मोदी इनमें से कौन से देश को विजिट नहीं किया, कौन से देश का परिदर्शन नहीं किया? इसका आंसर है इजिप्ट। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिटेड इजिप्ट, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नॉट येट विजिटेड इजिप्ट। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स और लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।